और गिरिडीह जिले में सफेद पत्थर का काला कारोबार चल रहा है। धड़ल्ले से यहां पर क्वार्ट्ज का खनन, इस क्वार्ट्ज की डिमांड देश विदेश में है और इसी क्वार्ट्ज का हो रहा है गिरिडीह में खेल। रिपोर्ट देखें। सफेद पत्थर का काला कारोबार, धड़ल्ले से हो रहा क्वार्ट्ज का खनन, देश विदेश में है इस क्वार्ट्ज की डिमांड और इसी क्वार्ट्ज का हो रहा गिरिडीह में खेल। ये सफेद पत्थर जिसे क्वार्ट्ज भी कहते हैं काफी कीमती है। जिस झारखंड के रत्न गर्भा धरती में कई खनिज छिपे हैं, उसी झारखंड के गिरिडीह में मिलता है ये सफेद पत्थर क्वार्ट्ज। पर इसी सफेद पत्थर का काला कारोबार यहाँ धड़ल्ले से चल रहा है। गिरिडीह सदर प्रखंड के उदनाबाद और आसपास के इलाकों में धड़ल्ले से इसका खनन होता है। कोवाई, देवरी, बेंगाबाद, जमुआ, कावा, डुमरी और तीसरी में भी खनन होता है। देवरी के चहाल में इकलौता सफेद पत्थर खदान है, लेकिन ये पत्थर खदान भी कई महीने से बंद है। इसके बावजूद जब भी प्रशासन सफेद पत्थर लोड भारी वाहन पकड़ता है तो चालान इसी खदान का दिखाया जाता है। अब जब खदान बंद है तो चालान आ कहां से रहा है? अब हम आपको यहां जमीन से पत्थर निकाल रहे मजदूरों को सुनाते हैं तो पता चलेगा कि कैसे इस पत्थर के खेल के साथ साथ कमीशन खोरी का खेल भी चलता है। और बेचारा मजदूर तो एक अदद शरीर ढकने वाले कपड़े के लिए भी तरस जाता है। कैसे गाड़ी बेचते हैं? कोई दे 700 टका, कोई दे 850 टका, कोई दे 900 टका, माने जब ठेकेदार होते हैं रकम के होवे हो। अच्छा, जितना वो ठेकेदार है उतना दाम लेता है ना? है? जितना ठेकेदार है उतना अलग अलग पैसा है। अलग अलग पैसा है बाबू। कहाँ ले जाता है इसको? ना क्या पारो बाबू, हमें तो यहाँ से क्या चीज में ले जाता है? ट्रैक्टर में। ट्रैक्टर में कैसे ट्रैक्टर लेता है? 700 कोई दे हो, कुछ 750 तक सुन लो, 750 लेते। अब प्रशासनिक बयान भी सुन लीजिए। हर तरफ यही बात है कि कार्रवाई होगी और दोषी बक्से नहीं जाएंगे, पर दोषी है कि अपने काम में लगे हैं। खनन रुकता ही नहीं। इलाके से कोई सूचना आती रहती है तो हमने एक गश्ती टीम भी बना दिया है कि ये दिन रात जो है गश्ती करेंगे। जैसे ही ये सूचना मिलती है हमको भी इन्फॉर्म करेंगे और तुरंत जो है घटनास्थल पर रवाना। शायद पता होगा कि दो पत्थर में विधि पूर्वक एफ आई आर लॉन्च किया गया था। जो दो ट्रक थे उनमें क्या दो ट्रक पकड़े गए थे, उनमें एफ आई आर भी लॉन्च किया जा चुका है। वन भूमि का जहाँ तक प्रश्न है, इसमें तो हम लोग इसका जवाब नहीं दे सकते कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि उनके कंपिटेंट अथॉरिटी कंपिटेंट विभाग है। हमें जहाँ से सूचना मिलती है हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए उनमें विधि सम्मत कार्रवाई करते। बहरहाल ब्लैक एंड वाइट के इस पूरे खेल में सफेद पत्थर का काला कारोबार हो रहा है। जो जंगल की भूमि है, कई जंगलों को नुकसान पहुंचाकर जो तस्कर हैं वो सफेद पत्थरों का उत्खनन कर रहे हैं और उन्हें रात के अंधेरे में ट्रैक्टरों के माध्यम से प्लांट पहुंचा दिया जाता है। ज़रूरत है कि सरकार और अधिकारी इस पर नकेल कसें, तब जाकर कहीं सरकार को सरकारी राजस्व का नुकसान ना उठाना पड़े और इस पूरे ब्लैक एंड वाइट खेल का पर्दाफाश हो सके। अपने सहयोगी संदीप व केशु के साथ न्यूज 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। और सीधा रुख करेंगे गिरिडीह का सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ है। श्रीकांत, जिस तरीके से ये सफेद पत्थर का काला कारोबार हो रहा है, कीमती पत्थरों में से एक माना जाता है इस पत्थर को। जी देखिए, बता दूं कि जिस तरीके से जिले में वन भूमि जो है उस वन भूमि से सफेद पत्थर का अवैध उत्खनन हो रहा है, उसकी तस्करी की जा रही है, निश्चित तौर से इससे कहीं ना कहीं वन को जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और इस पे विभाग की नज़र अब तक नहीं पड़ी है। वन विभाग इससे बेखबर हम कह सकते हैं कि अब तक है, या फिर अधिकारियों ने कभी इस पर संज्ञान नहीं लिया है। जो सफ़ेद पत्थर होता है जिसे क्वार्ज पत्थर कहा जाता है, वो मृत पत्थर होता है और एक बार अगर पहाड़ से पत्थर निकल जाए तो पहाड़ पत्थर विहीन हो जाता है, यानी कि सीधे तौर पर यह नुकसान पर्यावरण को है और आने वाले समय में इसका नुकसान हम सभी को होगा। सफ़ेद पत्थर की जो तस्करी है, क्वार्ज पत्थर, सफ़ेद पत्थर के बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी रहती है कि आखिर इसका उपयोग क्या है। तो सफ़ेद पत्थर की जो
उत्खनन है अवैध तरीके से और जो तस्करी है वो जिले के कई प्रखंडों में की जा रही है और इसमें कई सिंडिकेट और माफिया लगे हुए हैं। सदर प्रखंड का या उदनाबाद का इलाका ले लीजिए आप, या कुवाड़ से जो सटे इलाके हैं उस इलाके को ले लीजिए, देवरी का इलाका है, जमुआ का इलाका है, गांवा का इलाका है, पीटाण का इलाका है, डुमरी का इलाका है, बेंगाबाद का इलाका है, लगभग जिले के सभी प्रखंडों में सफ़ेद पत्थर का अवैध उत्खनन भी हो रहा है और इसकी तस्करी भी हो रही है। बता दें कि और सबसे बड़ा नुकसान इस पर सीधे तौर पर सरकार को भी राजस्व का लग रहा है। अब माफिया जो है फर्जी कागजातों के जरिए विभाग की आंखों में धूल भी झोंकते हैं, क्योंकि उन्हें जो स्टॉक पेपर मिला होता है उस स्टॉक को वो पूरे महीने मेंटेन करते हैं और दिखाते हैं कि हमारे पास ये स्टॉक मेंटेन है, लेकिन जो अवैध तरीके से उत्खनन किया हुआ तस्करी का पत्थर है उसे हर रोज बड़ी संख्या में ये कागजातों के साथ हेर फेर कर निकाल देते हैं, लेकिन जब जांच की जाती है तो ये उस पुराने स्टॉक के पेपर को दिखा देते हैं कि हमारे पास ये स्टॉक है, हमने इस जगह से ये स्टॉक मंगाया था। लेकिन हमने जब जांच पड़ताल की तो उसमें साफ दिखा कि कई वन भूमि से जो है दिन के उजाले में सफ़ेद पत्थर का उत्खनन हो रहा है और उसकी तस्करी भी हो रही है, और ये पत्थर जो है कलकत्ता, आसनसोल और अन्य प्रदेशों में भी सप्लाई किए जाते हैं और इस पत्थर को पीस कर जो है वो अलग अलग जगह पहुंचा दिया जाता है। ज़िले में एकमात्र जो है इसका स्टॉक है, लीज स्टॉक, बाकी लीज माइंस है, बाकी लगभग 2 दर्जन के आसपास स्टॉक हैं। लेकिन इन सभी की आड़ में जो है सफ़ेद पत्थरों का कह सकते हैं हम कि एक काला खेल चल रहा है और इसमें कई माफिया सक्रिय हैं। अब ज़रूरी है और यह देखना भी है कि इसमें विभाग क्या कार्रवाई करता है और किन किन लोगों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन इतना तो तय है कि इस पत्थर के अवैध खनन से सीधे तौर पर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत, तमाम जानकारियों के लिए। तो सफेद पत्थर का अवैध उत्खनन होने की वजह से पर्यावरण तो बिगड़ ही रहा है, सरकार को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है, बेहद जरूरी है कि इस पर उचित कार्रवाई हो।